इसे लिखा है जो विलियम सरोयन ने जो कि एक अमरीकी ड्रामेटिस्ट हैं और लिखारी हैं ऑथर हैं तो ऑस्टर एंड द पर्ल यानी सीप और मोती इसके में इसके कुछ करेक्टर्स पढ़ लेते हैं पहले जिसमें हैरी वैंड्यूसन हैरी वैंड्यूसन ये कौन है जी अब बॉर्बर ये एक हजाम है ठीक है हजाम और जो के चौबीस साल से ओके बाय द सी एक इलाका है ओके बाय द सी मैं आपको दिखाता हूँ उसका नाम ताकि वो आपको फिर कन्फ्यूज़ ना हो आप ये हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे जी फर्स्ट लाइन देखें अंदर इसकी प्रोडक्ट में मार्केट ये देखें ओके बाय द सी ठीक है तो ये है हमारे पास इस इसका नाम एरिया का नाम तो ये एक हजाम है जिसका नाम है है हैरी वैंड्यूसन ठीक है जिसका पहला करेक्टर है तो ये हजाम है हजाम और ये क्या है जी ये असल में एक इलाका है कैलिफोर्निया में यानी अमेरिका के अंदर जो इलाका है कैलिफोर्निया उसमें ये एक छोटा सा टाउन है समझ में एक बल्कि टाउन से भी कम है ये इसका नाम है ओके बाय द सी तो ये समंदर के पास एक इलाका है उसका नाम है ओके सी तो हैरी वैंडूसन वहाँ चौबीस साल से रहाइश पजीर है उसी इलाके में ओके बायासी में और वहाँ पर उसकी दुकान भी है हजाम है वहाँ पे वो ठीक है आगे है जी क्ले लैरबी क्ले लैरबी तो ये एक तकरीबन नौ या दस साल का एक लड़का है जो हैरी की दुकान में काम भी करता है ठीक है ये नौ दस साल का लड़का है जो हैरी की शॉप में काम करता है और है विवियन मैकीचन विवियन मैकी हैरी बारबर हो गया क्ले लैर भी उसकी शॉप में काम करता है ये लड़का है नौ दस साल का और वीविन मैकिशुन एक नई स्कूल की टीचर है यानी ये एक नौजवान लड़की है जो गाँव के स्कूल में पढ़ाने की गर्ज से यहाँ पर आई है लेकिन गाँव के बच्चों के जो रवैये हैं वो बहुत मतलब वो बच्चे बहुत केयरलेस हैं वहाँ गाँव के बच्चे यानी असल में ये उसी गांव में ओके के में बच्चों को पढ़ाने के लिए आई है और लेकिन बच्चे वहाँ पर बहुत केयरलेस हैं और उनके रवैये बहुत ख़राब हैं जो कि बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते और ये बहुत परेशान रहती है अक्सर उनके बारे में ठीक है जी और आगे है जी क्लार्क लेरवि क्लार्क लेरवी ये क्ले का फ़ादर है ठीक है ये क्ले ये वाला क्ले ठीक है जिसका हमने ज़िक्र किया तो क्ले जो है ये काम करता है हैरी की शॉप में और क्लार्क जो है वो क्ले का फ़ादर है ठीक है और क्लार्क जो है बेसिकली एक गरीब आदमी है और इसका अपनी वाइफ से झगड़ा रहता है हर वक्त ठीक है तो अपनी बीवी से झगड़े से तंग आकर ये शहर छोड़ गया बोला वो, वो जगह छोड़ गया कहीं और चला गया अच्छा जी द मैन एक आदमी यानी जो क्लार्क है ना क्लार्क ला जो क्ले का फ़ादर है वो समझ ले अपने घर से जो घरेलू हालात हैं उनसे तंग आकर चला गया यहाँ से और है मैन मैन एक आदमी ये राइटर है बेसिकली एक मुसनफ़ है ठीक है और एक आदमी जो कि दरअसल मुसनफ़ है और ये कहीं से आ रहा है और जाना कहाँ है इसने यानी ये कहीं से आ रहा होता है और ये रुकता है हैरी की शॉप पर रुकता है आके ठीक है और असल में जा कहाँ है है? ये हॉलीवुड जा रहा है ठीक है हॉलीवुड और ये क्यों रुकता है यहाँ पे हैरी की शॉप पर रुकता है ये शेव करवाने के लिए तो ये शेव के रुकता है और फिर जाना कहाँ है इसने हॉलीवुड जाना है ओके जी ओके जी ओके जी इसके बाद है रखसाना लहरे भी ये क्ले की बहन है यानी ये वाला क्ले यानी ये क्ले इसकी बहन है ये ठीक है यानी ये क्लार की बेटी है और ग्रीले ये क्ले का दोस्त है एक ग्रीले ठीक है पैल बोलते हैं फ्रेंड को पैल फ्रेंड कंपेनियन और इसके बाद है जी जज एपल ये बीच कॉम्बर बीच कॉम्बर मतलब ये वो आदमी है जिसका काम क्या है जी ये उसी गांव में रहता है ये और इसका काम समंदर में बह आने वाली चीज़ों को इकट्ठा करना है यानी समंदर में चीज़ें बह के आती हैं ना जो भी चीज़ें आती हैं समंदर में बह के उन्हें इकट्ठा करता है ये उनमें चीज़ें कीमती भी हो सकती हैं कुछ ओके okay. और है वॉजैक वॉजे कौन है जी ये घड़ी साज है घड़ियाँ बनाता है तो इसकी कहानी देख लेते हैं इसकी कहानी बहुत अच्छी सी है बहुत जबरदस्त कहानी है ज़रा सुन लें आप तो ये जज्बाती ड्रामा है जज्बाती किस्म का ड्रामा असल में ये प्ले होते हैं ना प्ले ये प्ले आ, ये वो कंपोजिशन है ये वो एक किस्म का ड्रामा है जिसे स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है ठीक है तो यकीन इनको परफॉर्म भी किया गया होगा तो ये कहानी है बड़ी जज्बाती कहानी है ड्रामा है ये और जो इंसानी फितरत में मौजूद जो अच्छाई है उस पर मुसनफ़ के ईमान को ज़ाहिर करता है कि मुन्नफ़ जो है ना मुसनफ़ किसी भी इंसान की जो फितरत है उसमें जो अच्छाई है उसको ढूंढ रहा है देखते हैं कैसे असल में ये प्ले ये ड्रामा हैरी वैंड ड्यूसन की दुकान में होता है सारा यानी वहीं पर सारा ये ड्रामा रोनुमा होता है कहाँ पर पड़ा हैरी वैन ड्यूसन की दुकान में जैसे हम इसका फुल नेम तो है, हैरी वैन ड्यूसन इसे हम जानेंगे बस हैरी के नाम से बड़ा अच्छा आदमी है बहुत अच्छा आदमी है तो सारा ड्रामा इसी की जो शॉप है वहाँ पर ये सारा प्ले होता है और जो कि अभी ये कहाँ पे है जी इसी दुकान ये कैलिफोर्निया का एक कस्बा है ओके वायदसी उसमें वाक़ है हमने जाना अभी कुछ देर पहले और ये क्ले जो कि हैरी के शॉप पे काम करता है इसका असल में काम क्यों करता है भाई कि इसे कुछ पैसे मिल जाएँ ठीक है कुछ पैसे कमा ले और ताकि पैसे कमा के ये अखबार में एक ऐड दे सके अखबार में ऐड क्यों दे सके भाई ताकि अखबार में ऐड दे के भाई इसका अब्बा इसका फ़ादर इसका डैड जो कि इसकी मदर से लड़ने के बाद और अपने घर के हालात से तंग आके अपना घर छोड़ गया है ताकि ये अखबार में ऐड दे सके गुमशुदगी का ऐड दे सके और ताकि वो इसे पढ़कर वापस घर आ सके और इसकी ख्वाहिश ये भी है कि वो कुछ पैसे कमाए और अपनी मदर के लिए एक तोहफ़ा भी ख़रीदे ठीक है तो आपके क्वेश्चन ये आ सकता है भाई कि हैरी की शॉप पे क्ले काम क्यों करता है भाई आप बताएंगे जी कि उसका फादर जो है ही हैज़ लेफ्ट हिज होम सो ही वांट्स हिज फ़ादर कम बैक वो चाहता है कि उसका फ़ादर वापस आ जाए और इसके अलावा वो अपनी मदर के लिए एक प्रेजेंट या एक गिफ्ट भी लेना चाहता है तोहफ़ा लेना चाहता है ठीक है तो ये क्ले है और क्ले भी जो बाकी बच्चे हैं इलाके के बच्चे उनके साथ इसे भी सीपियाँ चुनने का बहुत शौक है वो जो ऑस्टर्स चुनने का बहुत शौक है क्योंकि वो समझता है कि किसी दिन इसके हाथ में एक ऐसी सीप लगेगी जिसमें बहुत बड़ा कीमती मोती होगा ठीक है वो समझता है कि अचानक उसके हाथ में कोई ऐसा सीप लग जाएगा जिससे वो अमीर हो जाएगा और उसमें मोती भी होगा और वो उसे बेचेगा और वो अच्छा खासा पैसा कमाएगा इतफाक़ से उसी दिन क्ले के हाथ में सीप लग जाती है और उसे यकीन होता है कि भाई उसमें से मोती निकलेगा जिससे बेच वो अपने बाप को घर लाएगा और अपनी माँ लिए तोहफ़ा खरीदेगा तो वो अपनी अपने फ्रेंड्स को लेकर जो है हैरी की दुकान में जाता है और वहाँ पर मिस मेकीचुन मैंने बताया ना ये टीचर है यहाँ पे अभी अभी आई हैं न्यू टीचर हैं मिस मेकीचुन और मुसन्फ़ जो है मुसन्फ़ मैंने बताया कौन है राइटर ये जो ये ये कैरेक्टर हमारे पास मौजूद है यहाँ पे राइटर ठीक है तो ये बंदा मुसनफ़ और मिस मेकेचन वहाँ पर दुकान में पहले ही मौजूद है उसकी दुकान में और मिस मेकीचन जो है ना क्ले को कहती है तो समझाती है कि भाई इसमें कोई मोती नहीं है ठीक है तो आप ऐसे ना परेशान हो इसमें कोई मोती नहीं है लेकिन जो हैरी है हैरी जो ये दुकानदार है ये क्ले की बड़ी हिमायत करता है कि नहीं नहीं इसमें होगा भाई परेशान ना हो इसमें वाकई मोती है वो चाहता है इसका दिल ना टूटे लेकिन मिस जो है वो बड़ी रियलिस्ट है वो चाहती है भाई जो हकीकत है वो बताओ बच्चे को और फिर जो है ना जो हैरी है, हैरी कहता है भाई तुम जाके ना वो जो वॉजक है वॉजक को बुला के आओ वॉजुक पता है ना कौन है ये घड़ी सा घड़ी जो रिपेयर करता है तो हैरी कहता है जाके ना वॉजुक को बुला के आओ जो घड़ियाँ बनाने वाला है घड़ी साज है ताकि वो आए और अपने जो है अपने औजार भी साथ लाए और इस सीप को खोले और इसमें जो मोती है वो हमें दिखाए तो अब इसके साथ ही जो क्ले का फादर है जो कि क्लार्क लैरावी वो घर छोड़ गया था वो शायद कहीं पे काम करता है और वो वापस आता है और आकर ना हैरी की दुकान पे आता है और हैरी को देता है तीस डॉलर्स ठीक है हैरी को वो थर्टी डॉलर्स देता है हैरी को कि यार ये डॉलर्स हैं तीस डॉलर्स ये तुम क्ले को दे देना कि वो घर ले जाए अपनी माँ को दे दो जाके और मिस मैकी चुन बड़ी गुस्से गुस्सा फील करती हैं है की बात पर कि वो बच्चों को ना गलत का शिकार कर रहा है वो कहती है भाई तुम इसमें कोई मोती नहीं है तुम क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो वैसे जिस पर हैरी जो है ना बताता है मिस मैकेचन को कि भाई यहाँ पे लोग बहुत गरीब हैं और बहुत मासूम हैं और सच्चे दिल के लोग हैं सो मैं नहीं चाहता कि इनका दिल टूटे मिस मेक्यूचन जो है ना क्ले की मजबूत वो हैरी जो है वो बताता है मिस मेक्यूचन को क्ले की मजबूरी के बारे में कि क्ले बड़ा गरीब आदमी है और यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और ये सारी कहानी ना जो मुसनफ़ है जो राइटर है जो ये बैठा है बीच में ये सुन रहा होता है अब जब वाजिक आता है जब वाजिक आता है बच्चे जाते हैं ना वाजिक को बुलाने के लिए कि जाओ जी वाजिक को बुला के आओ तो वाजिक जब आता है अपना सामान लेके तो मुसनफ़ ये बात सुनकर ना ये देख कर बड़ा हैरान होता है और ऐलान कर देता है कि भाई वो ये सीप तीन सौ डॉलर्स में लेने के लिए तैयार है यानी मुफ़ देखता है भाई कि अगर इस सीप में से वो जानता है ना कि ये लोग बहुत ग़रीब हैं और क्ले की मजबूरी भी है कि उसने अपने फ़ादर को वापस लाना है और उसकी मदर को उसने गिफ्ट देना है और वो बहुत गरीब हैं तो वो इससे पहले इससे पहले कि वज़क इससे पहले कि वाज़क जो है वो उस सीप को खोले और उसमें से कुछ ना निकले और क्ले परेशान हो जाए तो ये जो राइटर है मुन्फ़ ठीक है ये कहता है भाई कि मैं सीप खोलने से पहले ही ये जो है जो सीप है ये मैं तीन सौ डॉलर्स में लेने को तैयार हूँ और फ़ौर ही वो तीन सौ डॉलर्स यानी थ्री हंड्रड डर्स वो फ़ौर थ्री हंड्रेड डॉलर्स क्ले के हवाले करता है और वो सीप खरीद लेता है और क्ले और सारे बच्चे बच्चे जो हैं वो खुश होकर घर चले जाते हैं और इस तरह मुसनफ़ उन बच्चों की मदद करने में कामयाब हो जाता है यानी असल में वो उनकी मदद करता है और बदले में एक खूबसूरत कहानी उसे मिलती है वहाँ से ये सारी कहानी जो आप सुन रहे हैं वो ले जाता है क्लार्क भी अपने मतलब छपने वाले को पढ़कर बहुत खुश होता है और घर आता है और और घर जाने का फैसला करता है इस तरह क्ले अपने बाप को घर लाने में कामयाब हो जाता है असल में ये कहानी हमें जो है ना किसी भी बंदे की मजबूरी में उसके काम आने का दर्ज देती है और इंसानियत के नेक जज्बे और फितरत की अक्सी करती है सो इसमें जो बेहतरीन करेक्टर है वो किसका है जी इसमें अच्छे किरदार सारे अच्छे किरदार है बहुत अच्छे किरदार है हर बंदा अपने अपने लिहाज से बहुत अच्छा है लेकिन मैन राइटर जिसने वो एक बेवुकत एक खाली शाह यकीन खाली सीपी को उसने जो है सीप को तीन सौ डॉलर्स में ख़रीद लिया वजह वजह उसे मालूम थी कि बच्चे मजबूर हैं सो उसने उनकी हेल्प की ओके सो आज के लिए इतना काफ़ी है इसे आप बस इसके करेक्टर्स रीड कर लेंगे ताकि आपको फिर पढ़ने में आसानी हो कल इनशाला से पढ़ देंगे साल बहुत सारा पढ़ लेंगे इन ले. ओके सो आप ख्याल रखिएगा Allah fits.